हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केलवा में अस्पताल व स्कूल का वर्चुअल लोकार्पण किया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर जोशी ने भी जयपुर से लिया भाग। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज शुक्रवार को जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजसमंद सहित 3 अन्य जिलों के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया, जिसमें राजसमंद जिले के केलवा में भामाशाह द्वारा निर्मित स्वास्थ्य केंद्र व स्कूल का 4 कार्यों का लोकार्पण व कार्यों का ऑनलाइन शिलान्यास किया। कार्यक्रम में भामाशाह तनसुख बोरा व नरेंद्र बोरा की ओर से स्वर्गीय श्री शाह भैरूलाल बोरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय व फूली देवी आशुल बोरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केलवा स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व विधानसभा डॉक्टर जोशी, स्वायत्त शासन मंत्री शांतिलाल धारीवाल, प्रताप सिंह खाचरियावास सहित अन्य अतिथियों ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में इस अवसर पर जयपुर से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मुख्य सचिव निरंजन आर्य आदि ने संबोधित किया व महत्वपूर्ण व्यक्ति उपस्थित रहे। राजसमंद से प्रभारी मंत्री उदयलाल अंजना इस अवसर पर केलवा में कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित अतिथियों व गणमान्य जन व आम जन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार विकास के कार्यों में कोई कमी नहीं आने देगी व ऐसे कार्यों के लिए धन की कमी भी नहीं आने दी जाएगी व विकास के कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत व सरकार की मंशा है कि सभा को साथ लेकर विकास के कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाते हुए गुणात्मक कार्य करवाए जाएं। इस अवसर पर कार्यक्रम में पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार लक्ष्मण सिंह रावत, पूर्व जिला प्रमुख नारायण सिंह भाटी, पूर्व विधायक बंशीलाल गहलोत व नगर परिषद सभापति राजसमंद अशोक टांक और उप सभापति चुन्नीलाल पंचोली, पूर्व सभापति आशा पालीवाल, समाज सेवी देवीचंद गुर्जर, शांतिलाल कोठारी, हरि सिंह राठौर और कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इसके साथ ही जिला कलेक्टर कार्यालय से जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमिषा गुप्ता, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक राजेश गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जागरूक टीवी के लिए राजसमंद से नरेंद्र सिंह खंगारोत की रिपोर्ट।